वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से जो प्राइवेट बैंक होता है उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही एक पॉपुलर बैंक जो कि उसका वैकेंसी निकला हुआ है, मैं उसका भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि उसका वैकेंसी क्या निकला हुआ, इसके साथ आप किस तरह से वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों बैंक के नेम जो है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि प्राइवेट एक बैंक है ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांचेज है। तो दोस्तों इसका जो वैकेंसी निकला हुआ है रिसेंटली जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लोगों को मैं देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे स्किप करेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आ सकता है। अगर आप एप्लीकेशन जब करेंगे तो उसके समय आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा वीडियो देखें उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन के लिए कर पाएंगे। इसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस पेज में आप लोग बताऊँगा रिसेंटली जो वैकेंसी निकला हुआ उसके बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के पोस्ट निकला हुआ है जिसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे जो यूनियन बैंक की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चला आया है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए, जिसके अंदर फायर ऑफिसर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफिसर, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर एंड फॉरेक्स ऑफिसर के पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों फायर ऑफिसर के लिए ग्रेड 3 है, जिसके आपका सैलरी रहेगा 48,000 पर मंथ, वैकेंसी जिसका निकला हुआ है 1। इकोनॉमिस्ट के लिए ग्रेड 3 वैकेंसी निकला है 6 और सैलरी इसका सेम रहेगा। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 32,850 रुपीज़ आपको पर मंथ दिया जाएगा, इसके वैकेंसी निकला हुआ है 19। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है 15, 30,560 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ क्रेडिट ऑफिसर के लिए 122 वैकेंसी निकला हुआ है, फॉरेक्स ऑफिसर के लिए 18 वैकेंसी निकला हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 मार्च 2019 इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं अभी जाके एप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो नीचे दिया हुआ लिंक को आप क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है 30 इयर्स टू 40 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ बीई फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज डिवीजन ऑफिसर कोर्स ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे आपको बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एंड आपका यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको SC ST OBC जो लोग बैकवर्ड क्लास है उन लोगों के लिए एज रिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हो, अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप जिस क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ उसको भी मैं आपको आपके सामने पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और कुछ अब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप यही है यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ यही है। अगर आप लोगों को पसंद आया और एप्लीकेशन करना चाहते हैं नीचे दिया हुआ लिंक को क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पास होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फेसबुक के पेज भी नीचे दिया हुआ है आप लोग वहाँ पर जाके भी फॉलो कर सकते। इसके साथ साथ आप लोग वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।